आपका वायर नेल मेकिंग मशीन, बिल्कुल ठीक है जी जी। ये आपका हर एक तरह का मशीन आता है, इसमें आपका 1.5 इंची भी आएगा, 2 इंची भी आएगा, 4 इंची भी आएगा जी जी, और 5 इंची भी बनाना है तो 5 इंची भी बनेगा, 6 इंची भी बनेगा। तो वायर नेल मेकिंग मशीन जो सेंटिंग का वर्क आप कर रहे हैं जी, तो उसमें आपका 2 से 2.5 इंची 3 इंची तक का आपका सेंटिंग में काटी जाता है, बिल्कुल। तो जो आप इस मशीन से निकाल कर आराम से इजी वेब में मार्केट में बेच सकते हैं। अच्छा, 1/2 इंची से लेकर 4 इंची तक का मॉडल है, जो कि 1/2 इंची से लेकर 4 इंची तक का कील काटेगा। एक और ये मॉडल आप देख रहे हैं, ये 1/2 इंची से लेकर 1.5 इंची तक का मॉडल है। अच्छा। जो कि इसमें 1/2 से लेकर 1.5 इंची तक का कील काटेगा। आपका होता है कि इसमें आपका एक वायर स्टैंड होता है, ठीक अच्छा, है अच्छा। वायर स्टैंड में आपको वायर को लगाना है, वो वायर को लगाकर इस मशीन में आपको लेके जाना है। अच्छा, ठीक है, मशीन में सेट करना है, मशीन मतलब जो हम लोग वायर लगाते हैं तो कैसे आता है, आपको सेट करना है, सीधा सीधा वायर रहेगा, वायर स्टैंड भी सीधा रहेगा, मशीन भी सीधा रहेगा। पॉलिशिंग ड्रम में आपको 250 kg का कैपेसिटी रहता है, इसमें आप कील को डाल के और लकड़ी का जो बुरादा होता है वो आप कुछ मात्रा में इसमें डाल दीजिए, बाकी 10 मिनट तक इसको आप चला दीजिए, आपका कील एकदम पूरी तरह से साफ हो जाएगा। तो रॉ मटेरियल और सर्विस के लिए कहीं भी जाना ना पड़े, आपको यही कंपनी प्रोवाइड करेगी, स्मॉल बिजनेस इंडस्ट्री सारा कुछ प्रोवाइड करेगी। दोस्तों, आप लोग को फिर से एक नया बिजनेस आइडिया लेकर आ गए हैं स्मॉल बिजनेस इंडस्ट्री से, जो कि आप लोग का बिहार के पटना में होने वाला है। और आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं पूरा, आप लोग ठीक है बैकग्राउंड देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप सभी लोग को हर एक प्रकार की जो मशीन है देखने को मिलता है। अगर आप लोग चाहते हैं अपना खुद का बिजनेस शुरू करना है तो कैसे कर सकते हैं, और आज की इस वीडियो में हम लोग कौन सा जो मशीन है देखने वाले हैं, जानने वाले हैं, आप लोग को सबको डिटेल में बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। यह जो मशीन है वायर नेल मेकिंग मशीन रहने वाला है, इसमें कौन कौन सा आप लोग का जो ठीक है, इसमें आप लोग का कौन कौन सा सेटअप आता है, यह जो मशीन है मतलब कितने कितने टाइप की आती है सब कुछ जानेंगे, कितने से कितने इंच तक का जो हम लोग कील है बनाएंगे आप लोगों को, ठीक है। यहाँ की जो सर हैं पूरा डिटेल में बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए आज का यह जो वीडियो है शुरू करते हैं, आप लोग का इसमें जो इन्वेस्टमेंट वगैरह है कितना लगेगा सब कुछ एक एक करके जानेंगे, और इसमें जो प्रोसेसिंग है बनने का मतलब क्या रहने वाला है सब कुछ जानते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सो दोस्तों, आप लोग देख पा रहे हैं फिर से यहाँ से जो हमारे साथ सर हैं अविनाश सर जुड़ चुके हैं। सर कैसे हैं? बढ़िया। सबसे पहले आपको नमस्कार। हम भी बढ़िया हैं। बोलिए सर। अच्छा, तो आज की यह जो वीडियो है वायर नेल मेकिंग मशीन का होने वाला है, सबसे पहले व्यूअर को हमारे अपने कंपनी के बारे में बताते हुए चलिए कि कौन कौन सा जो मशीन है आप प्रोवाइड करते हैं अपने यहाँ से। देखिए सर, मैं अविनाश कुमार स्मॉल बिजनेस इंडस्ट्री से बात कर रहा हूँ। आज बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ जो कि मार्केट में धमाका मचाने वाला है। अच्छा, वो है आपका वायर नेल मेकिंग मशीन, बिल्कुल ठीक है जी जी। ये आपका हर एक तरह का मशीन आता है, इसमें आपका 1.5 इंची भी आएगा, 2 इंची भी आएगा, 4 इंची भी आएगा जी जी, और 5 इंची भी बनाना है तो 5 इंची भी बनेगा, 6 इंची भी बनेगा। अच्छा, अब कैसे अच्छा। बनेगा ये हम आपको सारा कुछ बताएंगे, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। बिल्कुल सर, मतलब आज के समय में हम लोग का जो घर बनाने, जो हम लोग अपना मकान बनाते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग बनाते हैं, सड़क बनाते हैं, तो यह जो बिजनेस है मतलब इसमें हम लोग जो कील का यूज कर रहे हैं काफी भारी मात्रा में यूज करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, जहाँ तक आप देखिए, आप घर से बाहर निकलते होंगे हर तरफ आपका सेंटिंग का काम चालू है, वर्क स्टार्ट किया गया है, इसीलिए आपका जो वायर नेल मेकिंग मशीन जो सेंटिंग का वर्क आप कर रहे हैं उसमें आपका 2 से 2.5 इंची 3 इंची तक का आपका सेंटिंग में काटी जाता है, बिल्कुल। तो कि जो आप इस मशीन से निकाल कर आराम से इजी वेब में मार्केट में बेच सकते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। यहाँ पर हम लोग मतलब 2 मॉडल देख रहे हैं, तो ये कौन सा मॉडल रहने वाला है, इसको जो वाला है वो कौन सा मॉडल है? 1/2 इंची से लेकर 4 इंची तक का मॉडल है, जो कि 1/2 इंची से लेकर 4 इंची तक का कील काटेगा। एक और ये मॉडल आप देख रहे हैं, ये 1/2 इंची से लेकर 1.5 इंची तक का मॉडल है, जो कि इसमें 1/2 से लेकर 1.5 इंची तक का कील काटेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और सेटअप की बात करते हैं तो कौन कौन सा सेटअप? इसमें आपको 3 तरह का सेटअप होता है सर। देखिए, पहले आपका मेन मशीन हो गया, उसके बाद आपका एक पॉलिशिंग ड्रम रहेगा जिसमें अच्छा, अच्छा। आपको 250 kg का कैपेसिटी होता है उसको पॉलिश करने का। बिल्कुल। एक बार आप डाल दीजिए उसमें 250 kg आपका पॉलिश हो जाएगा। अच्छा, और तीसरा अच्छा। आपका रहेगा ग्राइंडर कटर, जो कि आप इसमें माल काट रहे हैं तो इसमें आपका डाई कटर लगा होता है। अच्छा। उसको निकाल के आप ग्राइंडर में उसको धार लगाने के लिए काम आता है। अच्छा, ये 3 सेट हम आप मशीन के साथ ही देते हैं। बिल्कुल सर, मतलब बात करते हैं अभी स्टार्टिंग से, तो अगर हम लोग इस मशीन को चलाएंगे तो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करते हैं? देखिए, ये पहला स्टार्टर आपका होता है, इसमें आपका एक वायर स्टैंड होता है, ठीक है।
अच्छा, वायर स्टैंड में आपको वायर को लगाना है और वायर को लगाकर इस मशीन में आपको लेके जाना है। अच्छा अच्छा, मशीन में सेट करना है, मशीन मतलब जो हम लोग वायर लगाते हैं तो कैसे आता है आपको सेट करना है? सीधा सीधा वायर रहेगा, वायर स्टैंड भी सीधा रहेगा, मशीन भी सीधा रहेगा। अच्छा, मतलब कहाँ से इसमें जो गैपिंग आप 2 फीट या 3 फीट का गैपिंग आप दे सकते हो इसमें। जी जी। अच्छा, यहाँ पर जो हम लोग स्पेस वगैरह दिया गया है इसमें क्या? ये डाई कटर लगा हुआ है जो कि आपका कील काटता है वो। अच्छा वो अच्छा, ये कटिंग करता है आपका, ये जो देख रहे हैं ये कटर है। जी जी, ठीक है। ये कील को काट करके आपको नीचे आपको जमीन पे गिरा देगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसको स्टोरेज करके आप उसको पैकिंग करके आप आराम से बेचते हैं मार्केट में। अच्छा अच्छा, और इसमें हम लोग जो मोटर वगैरह यूज कर रहे हैं कितने एचपी का मोटर? देखिए, हर एक मॉडल में अलग अलग तरह का मोटर आपको लगा होता है, जिसमें आपका अगर आप 1.5 इंची ये चला रहे हैं आप 3.5 से लेकर 1.5 इंची तक, तो इसमें आपका 1.5 इंची का मोटर लगा रहेगा, ये सिंगल पेज पे आपका ऑपरेट हो जाएगा। बट अगर आप 4 इंची का मॉडल चला रहे हैं, इसमें आपका 5 एचपी का मोटर रहता है, इसमें आपको 3 पेज का कनेक्शन लेना होगा। अच्छा अच्छा, मतलब घर के बिजली से हम लोग नहीं, ये आप 1.5 इंची आप घर के बिजली से चला सकते हो, बट आप 4 इंची आपको 3 पेज का कनेक्शन लेना। अच्छा अच्छा सर, इसमें जो हम लोग अगला सेटअप यूज करते हैं थोड़ा चलिए उसको भी। बिल्कुल बिल्कुल, पॉलिशिंग ड्रम मैं दिखाता हूँ। पॉलिशिंग ड्रम में आपको 250 केजी का कैपेसिटी रहता है, इसमें आप कील को डाल के और लकड़ी का जो बुरादा होता है वो आप कुछ मात्रा में इसमें डाल दीजिए। अच्छा, तो बाकी 10 मिनट तक इसको आप चला दीजिए। अच्छा, तो आपका कील एकदम पूरी तरह से साफ हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और बात करते हैं मतलब एक दिन में हम लोग इस मशीन को लगाकर कितना प्रोडक्शन? देखिए, एक दिन अगर 4 इंची का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो आपको 600 केजी आपका प्रोडक्शन निकाल देगा ये मशीन 4 इंची में। अच्छा अच्छा जी। अगर उसी मशीन में आप निकालते हैं कि 3 इंची हमको प्रोडक्शन करना है तो उसमें आपका प्रोडक्शन कुछ कमेगा। अच्छा अच्छा। और इधर ये मतलब ये जो आप देख रहे हैं ये ग्राइंडर कटर है। अच्छा, ठीक है। जैसे आपको मशीन में डायो कटर लगा होता है, अगर 1000-2000 केजी आप माल काट लिए हैं अपने मशीन में तो उसमें डायो कटर को निकाल के इसमें धार लगा दीजिए ताकि आपका मशीन प्रॉपर वर्क करता रहे। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये थोड़ा मतलब मशीन के बारे में। अगर मशीन तो मतलब कोई लगा भी लिया, सबसे महत्वपूर्ण है रॉ मटेरियल, तो कितना रुपया के जी? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सर आपको, यहाँ पे ही जाके लोग फेल हो जाते हैं, लेकिन हमारी कंपनी में बहुत ही इसका व्यवस्था किया गया है ताकि आपको रॉ मटेरियल और सर्विस के लिए कहीं भी जाना ना पड़े, आपको यही कंपनी प्रोवाइड करेगी, स्मॉल बिजनेस इंडस्ट्री सारा कुछ प्रोवाइड करेगी, आपको कहीं भी नहीं जाना है, आप आइए यहाँ, मशीन भी ले जाइए, रॉ मटेरियल भी साथ में ले जाइए। अच्छा अच्छा, मतलब कितना प्रॉफिट, क्या मार्जिन वगैरह? देखिए, इसमें प्रॉफिट ऑफ मार्जिन की बात करें तो आप 3 तरह से मार्केटिंग इसमें होता है सर, एक होलसेल होता है, एक रिटेल होता है, एक डायरेक्ट सेल होता है। अच्छा। तीनों तरह का मार्केटिंग करके आप 5 से 6 रुपया, 7 रुपया, 8 रुपया, 10 रुपया तक ये आप 1 केजी में आप उठा सकते हैं। अच्छा अच्छा। और मतलब कोई चाहता है इस बिजनेस को लगाना तो मिनिमम कितना इन्वेस्टमेंट कर सकता है? मिनिमम देखिए, कोई अगर कोई भी लगाएंगे तो सेंटिंग का वर्क तो जरूर करेंगे, बिल्कुल 2 से 2.5 इंची, 3 इंची तक तो जरूर काटेंगे कील, बिल्कुल। तो 380 का हमारे पास वो मशीन है, उसमें ऑल ओवर उनको डिस्काउंट भी दिया जाता है कंपनी की तरफ से। अच्छा। यहाँ विजिट करने के पर और उनको वो मशीन के साथ उनको सर्विस, रॉ मटेरियल सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। अच्छा, और आपकी कंपनी से अगर वो जुड़ता है तो सपोर्ट क्या किया जाएगा? सपोर्ट उनको अगर 1 साल का वारंटी मिलेगा मशीन ले जाने पे, 1 साल का अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम आता है मशीन में तो वो सर्विस नंबर है, सर्विस नंबर पे कॉल करें, जहाँ से लड़का जाएगा वहाँ उनको तुरंत उस चीज को प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट किया जाए। अच्छा अच्छा, और सर्विस वगैरह क्या देंगे? सर्विस तो साल भर कम दे ही रहे हैं। अच्छा, साल भर सर्विस भी देंगे हम उनको, अगर उनको सर्विस साल भर का कंपनी दे रही है, एक्सटेंड सर्विस भी 1 साल का, टोटल उनको 2 साल का सर्विस मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग ठीक है पूरा एक एक करके देख पाए हैं कि आप लोग को हम लोग मशीन है कैसे आप लोग को मतलब है दिखाए हैं, और जो मतलब कैसे प्रोसेसिंग होता है, आप लोग प्रोसेसिंग होकर कैसे जो किल वगैरह है बन कर गिरता है, आप लोग सब कुछ देखे ही हैं, ठीक है। बाकी सर और क्या कहना चाहेंगे जो हमारे व्यूअर हैं इस रोजगार को शुरू करना चाहते हैं, इस लाइन में आना चाहते हैं? देखिए सर, अगर इस लाइन में उनको आना है तो वो पहले हमारे ऑफिस विजिट करें, जो कि पटना में वो आप पहुँचेंगे तो जंक्शन पहुँचे या बस स्टैंड पहुँचे, उनको डायरेक्ट आना है कंकड़बाग टेम्पो स्टैंड, और डायरेक्ट वहाँ शिवाजी पार्क के पास किसी भी लोकल आदमी से पूछ लेना है कि अनामिका गैस गोडाउन कहाँ पे, बता देगा। वहाँ पे बड़ा सा बोर्ड हमारा लगा हुआ है स्मॉल बिजनेस इंडस्ट्री का, J सेक्टर में J74 बिल्डिंग नंबर। बिल्कुल ठीक है। सो दोस्तों आप लोगों ने जो मशीन का सेटअप है ठीक है पूरा देखा जाना, अगर आप लोग भी चाहते हैं इस वायर नेल मेकिंग मशीन को लगाना, अपना खुद का रोजगार शुरू करना, तो आप लोग ठीक है इस कंपनी से जुड़ सकते हैं। जो भी डिटेल है आप लोग को डिस्क्रिप्शन पे शो हो रहा है यहाँ का नंबर, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को यहाँ का आने का ठीक है पूरा जो एड्रेस है प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और हाँ,
इस वीडियो को इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब कहीं भी देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि जो भाई इस ठीक है मशीन को लगाना चाहता है इस कंपनी से जुड़ सके, ठीक है, और अपना खुद का रोजगार शुरू कर सके। तो फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।